लाइफ में आपकी कामयाबी और खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि किस तरह के लोग आपको पसंद करेंगे, कौन से लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे, कौन से लोग आपसे दूर भागेंगे। इन सबको डिटरमाइन करती है आपकी पर्सनैलिटी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने व्यक्तित्व को उभारना। आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, लोगों से बात करने का तरीका और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को बेहतर बनाना होता है। हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। आप हर दिन किसी से मिलते जुलते रहते हैं, किसी से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है और किसी को याद करने का भी मन नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों की बातें, उनका बिहेवियर, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आपको उनको याद रखने पर मजबूर कर देती हैं। इन सब की वजह है उसकी पर्सनैलिटी। आज के समय में एक अच्छी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो या आप जॉब में हो या फिर आप स्टूडेंट हो। वैसे तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कई कोर्सेज भी होते हैं, ऐसी कई किताबें भी उपलब्ध हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है, बॉडी लैंग्वेज में सुधार करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बताती है जिसका लोगों पर बहुत असर होता है। आप खुद को लोगों के सामने में कैसे पेश करते हैं, आपके हाव भाव, तौर तरीके, यहाँ तक कि आप सांस कैसे लेते हैं, ये सब आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। बॉडी लैंग्वेज में सुधार के लिए आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें जैसे हंसना, खांसना, छींकना, चलना, ये सब, इन सब में आप छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं। विशेष तौर पर बोलना, जब आप किसी से बात करते हैं तो ज़ोर से बात ना करें, बात करते समय अपने हाथों को इधर उधर ना फेंकें, अपने सामने वाले की आंखों में देखकर बात करें। जब आप बैठे हों अपने पैरों को ना हिलाएं, अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में रखें। दूसरा है ड्रेसिंग सेंस। अपने ड्रेसिंग सेंस को परफेक्ट रखें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ड्रेसिंग सेंस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ड्रेसिंग सेंस का मतलब है आपके कपड़े पहनने का तरीका। वैसे तो आप कुछ भी पहने सब कुछ अच्छा होता है, कपड़े तो आपको अपने ही हिसाब से पहनना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने कपड़े पहनने का तरीका नहीं बदला। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर आप किस मौके पर क्या पहनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपने कुछ ऐसा पहना है जो किसी पार्टी का लुक दे रहा है, तो ऐसा करना आपके लिए गलत होगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू रूम में एंट्री करेंगे तो आपके सामने बैठे व्यक्ति की निगाह सबसे पहले आपके कपड़ों पर ही जाती है, उसके बाद ही आप अपना इंट्रो देते हैं। यानी फर्स्ट इम्प्रेशन के तौर पर ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ड्रेसअप होना एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए कितना ज़रूरी है। अगला है, खुद को सहज और सरल बनाएं। हम हमेशा के लिए किसी के सामने में कुछ और होने का नाटक नहीं कर सकते। अगर आप किसी से बात करने पर कुछ बनने का नाटक करते भी हैं तो आप ऐसा ज़्यादा देर के लिए नहीं कर पाएंगे और आप अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। ऐसा करने पर आप शर्मिंदा भी हो सकते हैं, इसलिए बदलना ही है तो आप अपने आप को ना बदलकर अपने स्वभाव को बदलें। आपका नेचर मिलनसार होना चाहिए। इस अनजान भरी भीड़ में कोई भी इंसान उस व्यक्ति से बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करेगा जिसका बिहेवियर रूड हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति से हर कोई बात करना पसंद करता है जो मिलनसार हो। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे बात करना पसंद करें। आप लोगों के साथ हंसकर बात कीजिए और माहौल के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़िए। आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करें, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें। अक्सर किसी का भी मूड एक जैसा नहीं रहता, लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोग अपने खराब मूड को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। कभी कभी तो वह दूसरे लोगों के सामने में खुद को ऐसा पेश करते हैं कि सामने वाले को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि आज अगले का मूड खराब है। अगर आप भी अच्छी पर्सनैलिटी चाहते हैं तो आपको भी ऐसा करना होगा। प्रेरणादायक बने। आप दूसरों के लिए प्रेरणादायक तभी बन सकते हैं जब आप कामयाबी हासिल करेंगे। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी कामयाबी बहुत बड़ी हो। आप अपने व्यवहार से भी किसी के लिए प्रेरणादायक बन सकते हैं। लोगों को उनसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है जो कम संसाधनों से भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अगर आपके पास भी संसाधन नहीं हैं तो इसका रोना न रोएं, बल्कि आपके पास जितने भी संसाधन हैं उसका इस्तेमाल करके आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। खास तौर पर आजकल के स्टूडेंट को इसकी बहुत ज़रूरत है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब एक शारीरिक बनावट ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की पहचान उसके संपूर्ण चरित्र से होती है। ये सोचने समझने से लेकर आपका लोगों के सामने खुद को पेश करने तक सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी।